गाइस ये मलाना विलेज की एंट्री पॉइंट, चलते हैं आगे, उस साइड जाना है हम लोग को। गाइस ये मलाना विलेज की एंट्री पॉइंट, चलते हैं आगे, उस साइड जाना है हम लोग को। गाइस अभी हम लोग मलाना, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मलाना। टाइम हो रहा है 10 और हमने स्टार्ट किया मलाना ट्रैक। इस हॉल से 1.5 घंटा राइड करके यहाँ पहुँचने के लिए अभी बहुत दूर है। और 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक है, 1-साइडेड, और कसौल से ज़्यादा अच्छा इंटरनेट स्पीड, खाना पीना सब कुछ, सब कुछ है इधर। और अभी यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर जाएंगे। तो अब बस इतना ही, बाद में कनेक्ट करता हूँ आगे चल के। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मलाना ट्रैक। यहाँ पर स्पीड 300 Mbps है, 300 Mbps था ना, 350, तो यहाँ पर 350 Mbps स्पीड है जियो में, एंड एयरटेल में 40 Mbps। नहीं नहीं, एयरटेल में 350, एयरटेल में 350 था, 5G है ना। हाँ, एयरटेल में 350 Mbps। पोस्टपेड या प्रीपेड? प्रीपेड भाई, प्रीपेड। तो अभी चलते हैं, अभी खच्चर वगैरह चल रहे हैं। मुझे ये व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं बस यहाँ पर एक ही चीज़ है गाइस, आप कुछ टच नहीं कर सकते हो, अनटचेबिलिटी। यहाँ पर आपको कुछ टच नहीं करना है, टच करने पर हैवी फाइन है, करीब करीब 50,000। एक शॉपकीपर ने बोला 52,000 रुपीज़ टू बी प्रेसाइज। तो यही है, और ये छोटा सा ट्रैक, छोटा सा क्या, 1-साइडेड 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। और ये कूड़ा दिया है और लोग चूतियों की तरह यहाँ फेंके हुए हैं। तो बस यही है, कूड़ा मत करा करो, बड़ी मार पड़ेगी मुझसे कभी मिलोगे तो। एनीवे चलते हैं, ये भी शुरू हो गया और ऊपर मिलके बात करते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गाइस हम लोग हाफ वे पहुँच चुके हैं, HD अपना कॉल ले रहा ऑफिस का, ऑफिस दिखाओ, जूम कॉल, जूम कॉल ले रहा है। मलाना ट्रैक के बीच में हो रहा मलाना गांव, और ये अभी ट्रेल बाकी है, ये पूरा वहाँ तक जाना है। वो देखो सामान ऐसे आना जाना होता है, लेट लेट, ये दिख रहा होगा आपको ये। और यहाँ से ये व्यू है, इजी ट्रैक तो नहीं बोलूँगा, छोटा ट्रैक है बट काफ़ी गंदी टाइप की चढ़ाई है। ये विड्थ देखो इसकी, ये पूरा सुंदर सा गांव है। तो अभी इसका कॉल ख़त्म होगा, तब तक मैं रेस्ट ले लूँगा, ये भी रेस्ट ले रहा है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मलाना की तरफ। बताओ कैसा रहा अब तक ट्रैक? अब इसको म्यूट करो सालों को। आई वुड से इजी टू मॉडरेट ट्रैक है, बिकॉज़ इजी टू मॉडरेट मींस समवेयर इन बिटवीन, लेकिन उतना भी इजी नहीं है और उतना भी डिफिकल्ट नहीं, कहने का मतलब वही है, बीच में। हां तो गाइस यहां पर एक और बिलीफ है, आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते हैं, आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं। पैसा देना है तो आपको ज़मीन पर रखना है, अगर आपने टच किया तो 52,000 का फाइन, और इतना पैसे हमारे पास है नहीं। तो एनी वे चलते हैं जल्दी जल्दी और फिर कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
मलाना विलेज एचडी का नाम याद रखे ना विनय। चलो परशुराम जी का, परशुराम जी के जो देवता है वो अच्छा जैसे यहीं पर अभी सब खत्म हो गया ये आनंद है। गए अभी मलाना के अंदर हम लोग शादी ब्याह चल रही है। ये मंदिर है किस चीज का मंदिर है? मलाना विलेज और इधर शादी का चल रहा गाइस। हो गया मलाना, अब निकल रहे हम लोग भागते हुए, देख मलाना भाग के निकलेंगे भाग के, और बस अब चलते हैं फिर आधे रास्ते में कनेक्ट करेंगे। गाइस तो मलाना से उतर रहे हैं हम लोग और ये घोड़े खच्चरों का रास्ता ले लिया हमने जहाँ पर मलमूत्र गिरा हुआ है बेचारों का, और ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश। ओह भाई एक सेकंड, तो यही है अभी मलाना, ये मलाना नहीं, मलाना जस्ट बैक साइड है। यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था उस पॉइंट से, पूरा ये उस वैली से इस वैली आए, पता नहीं कहाँ से चलते चलते इस वैली पे आ गए या तो झाड़ियों के पीछे फंसे हुए हैं। तो मलाना बेसिकली एक जगह है जो कि जहाँ पर थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पर है, जहाँ पर क्रीम बनता है। क्रीम मतलब वो जॉनसन्स बेबी वाला क्रीम नहीं, क्रीम मतलब हैश वाला क्रीम, और मारुआना के बाई प्रोडक्ट्स की वहाँ पे खेती होती है, वहाँ पर उसके बाई प्रोडक्ट्स बिकते हैं, दैट इज़ देयर प्राइमरीली बिजनेस, वैसे ही उनका घर चलता है। तो अगेन इट्स नॉट लीगल इन इंडिया बट चलता आ रहा है पूर्वजों के समय से, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अगेन मेरा ओपिनियन पे मत जाओ बट मुझे इसमें कुछ गलत सही डिसीजन खुद लो। हाँ, सही गलत के बीच में एक रास्ता आता है दैट इज़ नोन एज मलाना। तो आप मलाना डेफिनेटली आओ, एक्सपीरियंस करो, मैंने इसे एक्सपीरियंस अब आप मतलब समझ लो, और थोड़ा उनका कल्चर जानने की कोशिश करो। अभी हम लोग लोगों से भी बात किया था थोड़ा डिस्टेंस में, टच नहीं कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप वहाँ उनको किसी को भी टच नहीं कर सकते हैं। 3,500 का फाइन है, बड़े बड़े बोर्ड नोटिस लगी हुई है, घुटना दर्द हो रहा है भाई, तो ऐसे करके पकड़े रहो। तो वहाँ पर सूचना नोटिस लगा हुआ है, मलमूत्र दिखाओ गाइस लोग को, गाइस दिखाओ, अबे इतना ज़ूम से मत दिखाओ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर टच नहीं कर सकते आप किसी ना इंसान को, ना किसी सामान को, कुछ भी लेना है ट्रेड करना है पैसा दूर रखो, वो वहाँ से उठाएंगे। आपको कुछ भी ट्रेड करना हो, अब वहाँ के बाई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो बाई प्रोडक्ट्स लेते टाइम भी वो बाई प्रोडक्ट रखेंगे आपके सामने, दूर हो जाएंगे, फिर आपको पिक करना है, एक्सपीरियंस करना है, फिर वापस रख देना है। सेम गोज़ विद द कैश, आप किसी को टच नहीं कर सकते, 3,500 रुपये वरना ले आना। और हाँ, जैसे हम लोग अभी पानी लिए, हाँ, तो बॉटल लिए और फिर पैसे उनके वहाँ पे रख दिए। तो अब चलते हैं, छोटा सा ट्रैक है बट अच्छा। हाँ, ये वैली देख लो आप लोग, यहाँ पर क्लाउड है, यहाँ पर दो वैलीज़ के बीच में हम लोग वॉक कर रहे हैं, और इधर आपका मलाना है। मैं आ रहा हूँ कि नहीं? हाँ हाँ भाई। तो अभी चलते हैं घोड़े खच्चरों के रास्तों से, और अब कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से जहाँ मलाना पॉइंट है, जहाँ से ट्रैक का पॉइंट है, वहाँ से कसौल भी, इधर लाओ ट्रैक पॉइंट दिखा दें, वहाँ से भी 2 घंटे का रास्ता है बाइक राइड की, 2 घंटे की कसौल जानी है, और रास्ता बहुत ख़राब है, पतला है, सकरा है, थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड है, कीचड़ है, बालू है, गंदगी है, गंदगी नहीं है, बालू है, कीचड़ है, तो टाइम लग जाएगा। ऑफिस भी आज हम लोगों को, एचडी ने तो कॉल ले लिया ट्रक के दौरान
मुझे भी मेरा काम बाकी है, तो अब चलते हैं ऑफिस करने। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो, ना अच्छा लगा हो तो निकलो यहाँ से, निकल बंद करो। I'm sorry.